ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। आज के वीडियो में लाइव स्पेशल ट्रेन में टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ। आप भी स्पेशल ट्रेन में कंफर्म टिकट बुक करना चाहते हैं 50 से 60 सेकंड में, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग की बात किया जाए तो 7:58 हो चुका है। इसका बुकिंग जो खुलता है 8 बजे मॉर्निंग में, इसका ओपन हो जाता है। नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए टिकट बुक करके देने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7:59 हो चुका है। तो आपको लॉगिन कर लेना है 7:59 पे, यानी कि 1 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड फिल करना है, इसके बाद कैप्चर फिल करना है। तो फटाफट फिल कर लेता हूँ। कैप्चर फिल करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही 8:03 से 4 सेकंड होंगे तो लॉगिन पे क्लिक करना है। यदि आप 1 से 2 सेकंड पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको जैसे हैशटैग जो लगा होता है वो आपको वहाँ से हटेगा नहीं और बुकिंग नहीं खुला होता है, तो इस बात को भी जानना ज़रूरी था। तो देखते हैं 7:59 कुछ सेकंड हो चुका है, 5-7 सेकंड बचा होगा, तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 8 बज चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। सॉरी इनवैलिड कैप्चर हो बता रहा है, मैंने गलत कैप्चर फिल कर दिया होगा। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो आपका टिकट बुक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओपनिंग टिकट भी है 1 से 1.5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। सिंपल मैं प्लान वाइज क्लिक करेंगे, इसके बाद दिल्ली से पटना के लिए सर्च कर रखा, तो मैं यहाँ पे मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डेट ऑफ जर्नी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 तारीख है, तो आज 13 तारीख के बुकिंग ओपन होने वाला है। इसके बाद कोटा में हमें जनरल ही रहने देना है। इसके बाद नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कौन सी ट्रेन में हमारा बुकिंग ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नई दिल्ली दरभंगा सुपर फास्ट स्पेशल है 0-25-70, इसमें 216 सीट अवेलेबल है। तो एसी में तो यहाँ पर एसी क्लास में तो टिकट बचा रहता है, लेकिन स्लीपर में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्लीपर का किराया 700 के आसपास ही है। मैं यहाँ डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लिया, सॉरी यहाँ पर पैसेंजर डिटेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जहाँ पर जाना है वहाँ पर हमें एड्रेस फिल करना है। सिंपल फर्स्ट टाइम में मैं बिहार टाइप करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर एरिया पिन कोड टाइप कर देता हूँ। इसके बाद पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे यहाँ आपको इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है, रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8:01 हो चुका है। वहाँ पे देखे थे आप शायद 216 सीट का कोटा है, तो हम देखते हैं टिकट बुक हो पाता है नहीं हो पाता है। यदि आप लोगों को जब भी ओपनिंग टिकट बुक करेंगे तो आप लोग को ध्यान रखना है, मास्टर लिस्ट में पहले से पैसेंजर डिटेल फिल करके रख लेना है, तभी आप लोग ओपनिंग टिकट कंफर्म बुक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यदि आप लोग पैसेंजर डिटेल फिल करेंगे 3 से 4 नाम जब तक तो टिकट खत्म हो जाता है, ओपनिंग टिकट भी, क्योंकि ओपनिंग टिकट ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट तक रुकता है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड पेज पर आ चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं RAC भी आ चुका है, यानी कि 8:01 हुआ है, RAC आ चुका है। सिंपल, तो यहाँ पर आप चाहे तो RAC भी बुक कर सकते हैं, लेकिन इस मुजफ्फरपुर रूट में जो है ना काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होता है। पी करना है, एस करना है, क्यू करना है, इसको प्रोसेस टू पे क्लिक करना है, यस करना है। तो आप देख सकते थे पेटीएम सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद पे पे क्लिक करूँगा। तो यानी 8:02, मैंने वहाँ पे क्या गलती किया था कि हमारा कैप्चर जो था, एक बार जो लॉगिन करते समय कैप्चर गलत हो गया था, तो यहाँ पे वहाँ पे मेरा 5 से 7 सेकेंड बर्बाद हो गया था। तो इन बात को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा OTP आ चुका है। OTP जैसे यहाँ पे कॉपी करेंगे और फिल करेंगे, जैसे ही फिल करेंगे तो हमारा टिकट बुक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्म बुक नहीं होगा, RAC में आ गया हुआ है। तो इस तरह से आप चाहे तो ओपनिंग टिकट भी बुक कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कितने सीट बचा हुआ, शायद अब वेटिंग भी आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फाइनली सब कुछ भरा हुआ, रिव्यू जोनी डिटेल देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 159 वेटिंग आ चुकी है।